नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और मेरे चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय का लेसन प्लान लेकर के आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील करता हूं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और यदि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ योजना संख्या लिख देंगे, नीचे उस विद्यालय का नाम लिख देंगे जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए गए होंगे। नीचे आप पांच कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दोस्तों, दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उसको कक्षा के नीचे, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं विषय के नीचे, जो पीरियड होगा उसको आप यहाँ लिख देंगे अर्थात कालांश, और उसकी जो अवधि होगी आप उसको यहाँ लिख देंगे। दोस्तों, इसके नीचे बाद प्रकरण लिखा जाएगा। प्रकरण में आज का हमारा प्रकरण है जूलिया, विषय हिंदी और कक्षा आठ। प्रकरण के बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में देख लीजिए क्या है। नंबर एक, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर दो, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। नंबर तीन, बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। नंबर चार, बच्चों को हिंदी एकांकी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। नंबर पाँच, बच्चों को हिंदी एकांकी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद आएगा दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए, नंबर एक, बच्चे सेविका की मार्मिक पीड़ा और व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर दो, बच्चे समझ जाएंगे कि इस दुनिया में दब्बू बोधु किस्म के इंसानों का सदैव शोषण होता है। नंबर तीन, बच्चों के अंदर शोषण का विरोध करने की शक्ति जागृत होगी। विशिष्ट उद्देश्य के बाद शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में है प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। उसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में है कल कारखानों का चित्र जिसमें गरीब मजदूर कार्य कर रहे हों तथा अन्य कक्षा प्रयोगी उपकरण या वस्तुएं। इसके बाद दोस्तों पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में है बच्चे मनुष्य की आवश्यकताओं से पूर्व परिचित हैं तथा रुपए पैसे के महत्व को जानते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना में देख लीजिए तीन कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ बच्चों से प्रश्न करेंगे, पहला प्रश्न करेंगे पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, छात्र बताएंगे मनुष्य। अगला प्रश्न यहीं से बना लीजिए, मनुष्य को जीवन यापन के लिए किसकी जरूरत होती है, छात्र बताएंगे पैसों की, रुपए पैसे की। अगला प्रश्न यहीं से बनेगा, मनुष्य पैसों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा काम करता है, छात्र बताएंगे नौकरी, मजदूरी, व्यवसाय आदि। अगला प्रश्न यहीं से बनेगा, फैक्ट्री के मजदूरों का अक्सर हड़ताल करने का क्या कारण होता है, छात्र बताएंगे वेतन बढ़ाना, बकाया लेना, बोनस आदि लेना। अगला प्रश्न यहीं से बना लीजिए, कोई कहानी सुनाओ जिसमें मालिक अपने नौकर का शोषण करता हो अर्थात वेतन कम देता हो, छात्र मौन हो जाएंगे, यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में देखिए, बच्चों आज हम लोग जूलिया नामक एकांकी का रसास्वादन करेंगे। इस एकांकी के लेखक रूस के अंतोन चेखो हैं। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में पाठ जहां से प्रारंभ होगा वहां का एक दो शब्द लिख लेंगे, बच्चों की गवर्नेंस, और अंतिम में दो तीन शब्द लिख देंगे, स्थान नहीं है। आदर्श वाचन, छात्राध्यापक एकांकी का आदर्श वाचन करेंगे। अनुकरण वाचन, एकांकी का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों से करवाया जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद देखिए काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण में दो कॉलम बनेगा, शब्द और अर्थ। शब्द में कठिन शब्दों का आप अर्थ लिखेंगे, शब्द में शब्द कठिन शब्द लिखेंगे और अर्थ में उसका अर्थ लिख देंगे। जैसे गवर्नेंस सेविका, रूबल रूस की मुद्रा, भीरू डरपोक, बोदा मोटी अक्ल का, क्रूर निर्दय, निर्मम ममता रहित कठोर या कठोर। इसके बाद दो कॉलम बना लीजिए, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। यहाँ बच्चों से प्रश्न करेंगे पाठ से संबंधित और उसका व्याख्या करेंगे। जूलिया किसका नाम था, छात्र बताएंगे एक गवर्नेंस सेविका का। अगला प्रश्न यहीं से बनाइए, जूलिया का क्या कार्य था, छात्र बताएंगे बच्चों को पढ़ाना और देखभाल करना। अगला प्रश्न यहाँ से बना लीजिए, जूलिया का हिसाब क्यों करना चाहा, छात्र मौन हो जाएंगे। अब यहाँ हम व्याख्या करेंगे, व्याख्या में बच्चों की देखभाल करने वाली एक सेविका जिसका नाम जूलिया वासिल देवना है के मालिक ने एक दिन उसको बुलाया
और कहा कि मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। अगला प्रश्न, मालिक ने उसकी तनख्वाह प्रति महीने कितनी बताई? छात्र बताएंगे 30 रूबल। अगला प्रश्न इस बने, अगला प्रश्न करिए, जूलिया ने प्रति महीने कितने रूबल तनख्वाह तय होना बताया? 40 रूबल। फिर प्रश्न, मालिक ने तब क्या कहा? व्याख्या, मालिक ने कहा कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी न? तब जूलिया ने कहा, नहीं मालिक, 40 रूबल। इस पर मालिक ने डायरी के पन्ने पलटते हुए कहा, यह देखो, इसमें मैंने 30 रूबल महीना लिखा है, मैं इससे पहले की सेविका को भी 30 रूबल महीना ही देता था। अब प्रश्न, मालिक ने जूलिया को कितने दिन बताया काम करते हुए? 2 महीने। प्रश्न, जूलिया ने कितने दिन बताया? 2 महीने 5 दिन। प्रश्न, तब मालिक ने क्या कहा? मौन हो जाएंगे बच्चे, अब व्याख्या बताएंगे। मालिक ने कहा कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए हैं। तब जूलिया ने कहा, नहीं मालिक, 2 महीने 5 दिन हो गए हैं। मालिक ने कहा, क्या कहती हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। अब प्रश्न करेंगे, मालिक ने काट छांट कर कुल कितने रूबल हिसाब बनाया? छात्र मन हो जाएंगे, अब व्याख्या बताएंगे। मालिक ने कहा कि 2 महीने के 60 रूबल बनते हैं, जब तुमने एक भी दिन छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई थी और 3 रूबल ली थी, जो कि 3 छुट्टी ली थी जो कि 12 छुट्टी हुई, अर्थात 12 रूबल कम हो हुए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था। मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 × 7 = 19 दिन नागा हुआ, अर्थात 60 × 19 = 41 रूबल हुए। और 1 जनवरी को तुमने चाय की प्याली तोड़ी थी, जिसका 2 रूबल ही काटूंगा। 1 दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और टहनी की खरोच से उसका जैकेट फट गया, 10 रूबल उसके हो गए। तुम्हारी लापरवाही की वजह से सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए, जिसके 5 रूबल कट गए। 10 जनवरी को तुमने 10 रूबल लिए थे। जूलिया ने कहा, नहीं मालिक, आपने कुछ नहीं दिया था। मालिक ने कहा कि तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, यह देखो डायरी, अब 41 में से 27 घटाओ बचे 14 रूबल, क्यों हिसाब ठीक है न? जूलिया ने कहा कि सिर्फ मालकिन से मैंने 3 रूबल लिए थे। मालिक ने कहा कि इतनी बड़ी बात मालकिन ने नहीं बताई, चलो अब 3 रूबल और कम हो गए, अब बचे 11 रूबल, ये रहे तुम्हारे 11 रूबल, गिन लो। प्रश्न, जूलिया ने 11 रूबल लेकर मालिक को क्या कहा? छात्र बताएंगे, धन्यवाद। अगला प्रश्न, मालिक क्यों बिगड़ गया? छात्र मौन हो जाएंगे, अब व्याख्या बताएंगे। मालिक ने गुस्साते हुए कहा कि मैं तुम्हें ठग रहा हूं और तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, यह क्या है जूलिया, इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू भीरू और बोदा बन जाए और अन्याय का विरोध तक न करे, यह गलत है। मैं तुम्हारे साथ क्रूर मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारा 1 भी पैसा नहीं मारूंगा, यह लो अपना 80 रूबल। लेकिन इतना याद रखो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। आदर्श वाचन छात्राध्यापक द्वारा किया जाएगा, अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न, गृहस्वामी का जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था? नंबर 2, एकांकी के कौन कौन से संवाद आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों? नंबर 3, जूलिया कौन थी? श्याम पटकार, छात्राध्यापक श्याम पटकार को छात्रों से उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षणकार, जब छात्र श्याम पटकार कॉपी में उतार रहे होंगे, तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य, रूस की मुद्रा रूबल है, इसी प्रकार बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जापान और पाकिस्तान की मुद्रा के बारे में लिखकर लाना है। नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक। इसी के साथ दोस्तों, ये लेसन प्लान समाप्त होता है। अगर लेसन प्लान अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।